बढ़ते आगे, जहां चिराग पासवान ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री का कार्यभार संभाला है। बता दें कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने नए मंत्रिमंडल में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री का कार्यभार संभाल लिया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने जो जिम्मेदारी मुझे दी है उसे ईमानदारी से निभाने के संकल्प के साथ यहां आया हूं। फूड प्रोसेसिंग एक बड़ी जिम्मेदारी है, आने वाला समय फूड प्रोसेसिंग का ही है। मैं मेरे पिता रामविलास पासवान से सीखते हुए उनकी सोच को आगे बढ़ाते हुए और प्रधानमंत्री के विकसित देश के संकल्प को पूरा करने के उद्देश्य से इस विभाग की एक अहम भूमिका देखता हूं। देश के गरीब वर्ग से अगर आप देखें, फूड प्रोसेसिंग का मैंने जिक्र किया, किसानों की जब आय को दुगना करने की हम लोग सोच रखते हैं, जब किसानों को मुख्य धारा के साथ जोड़ने की हम लोग बात करते हैं, कृषि प्रधान प्रदेश है, ऐसे में आप मेरे विजन में भी देखेंगे मैंने हमेशा प्रोसेसिंग यूनिट्स की बात की। मैंने हाजीपुर से मैं प्रतिनिधित्व करता हूं, मैंने हमेशा कहा हाजीपुर का केला है वो डाउन साउथ जाकर केले के चिप्स बनते हैं, बट वहां पे ऐसे यूनिट्स नहीं है। अगर ये यूनिट्स वहां पर लग जाए, जिस प्रदेश से मैं आता हूं मखाना, आज की तारीख में देश में नहीं दुनिया में उसकी मांग है, ऐसे में अगर उसके प्रोसेसिंग यूनिट्स वहीं पर लग जाए जहां पे किसान उसका उत्पादन करते हैं, तो उनके हाथ में ज्यादा दाम आएगा। जितने भी सहयोगी हैं, जिस जिस मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय जीतन राम मांझी जी को जिस तरीके से एमएसएमई की जिम्मेदारी दी गई है, ये कहीं ना कहीं देश की रीढ़ है। ये एक ऐसा सेक्टर है जिसको मजबूती है। कोरोना काल में भी अगर आप देखेंगे, सबसे ज्यादा बल अगर प्रधानमंत्री जी ने किसी को दिया था तो एमएसएमई सेक्टर को दिया गया था, पंचायती राज है। तो मुझे लगता है जितने भी सहयोगियों को जो जिम्मेदारी दी गई है वो समाज के उस वर्ग को दी गई है जिसकी हैंड होल्डिंग करने की जरूरत है।